हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नाइका हॉल अंडर 100 रुपीज। जो भी प्रोडक्ट्स मैं शेयर करूंगी, मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, सारे ये 100 रुपीज के नीचे है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी अफोर्डेबल हॉल। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये वीडियो ना थोड़ा सा मैं चिटचैट बनाऊंगी, क्योंकि नाइका हॉल में चिटचैट वीडियो बनाना पसंद करती हूँ, थोड़ा सा इंटरैक्टिव वीडियो, क्योंकि मैं उससे आप लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊंगी। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अनएडिटेड वीडियो, और आप सब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ऐसे अनएडिटेड वीडियोज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और जो पहला प्रोडक्ट है, दैट्स माई फेवरेट ऑफ ऑल, ये एक स्किन केयर प्रोडक्ट है। दिस इज निविया क्रीम, और आप सबको पता है मुझे निविया क्रीम्स कितना ज्यादा पसंद है। एंड दिस ब्लू वेरियंट इज माई सेवियर, और मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, दैट्स वाई। और ये सिर्फ 50 रुपीज का है, और अगर आपकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, इनफैक्ट ऑयली भी है, फिर भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा क्रीम है। आप थोड़ा सा क्वांटिटी में लेकर भी अगर आप अप्लाई करते हैं, फिर भी ये काफी अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज भी करता है और सॉफ्ट बनाता है, और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। तो आप छोटा जो ये कंटेनर है 50 रुपीज का, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। एंड इफ यू लव द प्रोडक्ट, देन आप बड़ा जो है उसको परचेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मैं एक परफ्यूम में शेयर करना चाहती हूँ। दिस इज रैमसन्स परफ्यूम, और ये परफ्यूम बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, बट इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, ये हाई एंड परफ्यूम्स की तरह इसकी फ्रेग्रेंस है, बट हाँ ये फ्रेग्रेंस फ्लावरी सा है। सो दिस इज अ गर्ली परफ्यूम, तो मेन के लिए आप कुछ इसमें भी, मतलब ये है रैमसन परफ्यूम, तो इसका ही जो मेन वेरियंट है वो आप चेक कर सकते हैं नायका से। और ये मुझे 100 रुपीज का पड़ा। हाँ, प्राइसेस थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है, क्योंकि मैंने जिस टाइम पर परचेज किया है उस टाइम शायद प्राइस थोड़ा सा लो था, ऐसा हो सकता है, बट इनकी जो प्राइसेस है वो जेन्युइनली ही बहुत ही ज्यादा कम है। सो आप जो नॉर्मल प्राइस है उसमें भी आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो एक हेयर केयर प्रोडक्ट है, ये है कोकोनट हेयर ऑयल, और आप लोग देख सकते हैं ये पूरा खत्म है, जस्ट थोड़ा सा लास्ट में बाकी है। ये है निहार नेचुरल्स कोकोनट हेयर ऑयल, इसमें भी 20% एक्स्ट्रा दिया है, एंड इसका जो प्राइस है वो है जस्ट 40 रुपीज, बट शायद ये मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में मिला था, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट, बट 40 रुपीज इज ऑल्सो ग्रेट। और ये ना प्योर कोकोनट ऑयल है, और जो बेस्ट पार्ट है कि ये विंटर सीजन में नहीं जमता, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, तो मेरी मम्मी लाइट वेट ऑयल ज्यादा पसंद करती है, तो इसी वजह से मेरी मम्मी से इस्तेमाल करती है, मैं भी इस्तेमाल करती हूँ इससे। मैं अपना मेकअप रिमूव करना पसंद करती हूँ, बिकॉज इट इज वेरी लाइट, और इससे ना मेकअप बहुत जल्दी रिमूव होता है, और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। सो ये आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। दिस इज इन द प्योर फॉर्म ऑल्सो, तो टीनेजर्स कैन ऑल्सो यूज। और नेक्स्ट जो है वो नेल पॉलिशेस है। यू नो कि एलियट नेल पॉलिश 50 रुपीज में आता है, इनफैक्ट उसमें भी डिस्काउंट कभी कभार मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। सो ये दो कलर्स है ना, ये मैंने अपने नायका हॉल में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, बहुत ही प्रिटी कलर्स है, एंड कैमरे में तो और भी खूबसूरत दिखता है। तो इस तरीके के एलियट नेल पॉलिशेस आप खरीद सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे ब्रांड का खरीद रहे हैं 50 रुपीज या आसपास, तो मैं उससे आपको रिकमेंड करूंगी आप एलियट ही परचेज करें, क्योंकि इनका जो फॉर्म्यूला है ना वो काफी अच्छा है, जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, सो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी मुझे लगता है। सो पर्सनली मुझे तो एलियट नेल पॉलिशेस काफी पसंद है। नेक्स्ट है एक फाउंडेशन, विच इज लैक्मी फाउंडेशन। ये है लैक्मी इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन। ये शायद आपको 100 रुपीज में नहीं मिलेगा, बट मैंने सेल के टाइम से परचेज किया था, तो मुझे 100 रुपीज में मिल जाएगा। नॉर्मली शायद आपको 150 रुपीज में मिलेगा, विच इज गुड, क्योंकि इसका फॉर्मुलेशन मैंने अभी इसे वेयर भी किया है। इसका जो कवरेज है वो मीडियम, शीयर टू मीडियम कवरेज है, डेली वेयर के लिए काफी अच्छा है, बहुत ही लाइट है स्किन पर, एंड लैक्मी के प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे होते हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स। तो सो दिस इज द नेक्स्ट वन। ओके, सो अगेन मेरे पास एक लिपस्टिक है जो ब्लू हेवन का है, और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना प्रिटी ब्राइट एंड एक फेस्टिव कलर है इसका। और इसका जो कलर है ना, लेट मी शो यू, सो आप लोग देख सकते हैं एक मरूनिश रेड काइंड ऑफ इसका कलर है, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्राइट कलर है। अगर आप न्यूली वेड है तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बट हाँ ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है और स्मज प्रूफ भी नहीं है, आपको स्मॉल क्वांटिटी में ही इसे लेना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा चिपचिपा लगता है मुझे, तो 80-90 रुपीज में इट्स क्वाइट गुड। सो नेक्स्ट मेरे पास है मेबेलिन का एक प्रोडक्ट, विच इज मेबेलिन नेल पॉलिश रिमूवर। इसका जो रिटेल प्राइस है ना वो है 90 रुपीज,
तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में 50% डिस्काउंट में भी मिल सकता है और ये काफी अच्छा है क्योंकि ग्लिटर नेल पॉलिशेस को भी ना ये वन स्वाइप में ही निकाल देता है। सो आप इसे डेफिनेटली एक बार ट्राई कर सकते हैं, अगर डिस्काउंट में मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो 90 rupees इज ऑल्सो गुड। नेक्स्ट ऑर्गेनिक फाउंडेशन है फ्रॉम ब्लू हेवन विच इज दिस एक्स फैक्टर फाउंडेशन। इसके बारे में मैंने काफी रिव्यूज देखे थे एंड फिर मैंने इसे परचेज किया था, तो इसका जो फॉर्मूला है वो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो ये और भी ज्यादा ड्राई बनाता है एंड विंटर सीजन में तो मेकअप हमें अगर अप्लाई करते हैं फिर भी फ्लेकीनेस आ जाती है अगर स्किन केयर ठीक से नहीं किया तो, और मेकअप अगर ठीक नहीं है तो ये जो फाउंडेशन है ये ड्राई स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन टाइप है और आप कुछ ऐसा फेस ऐसा फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए परफेक्ट होगा, जस्ट गो फॉर इट। और ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, 100 rupees का अंदर, मतलब इसका रिटर्न प्राइस है 125 rupees, बट मैंने तो इसे शायद 100 rupees में परचेज किया था, सो आपको भी मिल जाएगा ऐसे ही। सो या ऑयली स्किन के लिए ये अच्छा है। नेक्स्ट एक सनस्क्रीन में शेयर करना चाहती हूँ विच इज दिस बायोटिक सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन ड्राई स्किन के लिए अच्छा है बट ऑयली स्किन के लिए उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये थोड़ा सा स्किन को ना ग्लॉसी लुक देता है जो ऑयली स्किन के लिए अच्छा नहीं लगेगा, बट ड्राई स्किन कैन डेफिनेटली यूज दिस और ये 100 rupees में आता है, सो दिस इज वेरी अफोर्डेबल। इनफैक्ट आप अपने हैंड्स पर और लेग्स पर लगाने के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है और हैंड्स एंड लेग्स में तो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली ये सन से प्रोटेक्शन देता है एंड काफी अच्छा है और 50 ml में आता है, सो इट्स वेरी अफोर्डेबल और आप इसे ना कैरी भी कर सकते हैं अपने हैंड बैग में क्योंकि ये ट्यूब फॉर्म है और इतना छोटा सा इसका ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग भी है। ओके, सो नेक्स्ट है आई लाइनर्स और ये एक है लैक्मे इंस्टा लाइनर, ये भी 100 rupees में है और इसके ना बहुत सारे वेरियंट्स है, बहुत सारे कलर है, जैसे मेरे पास ये इंटेंस ब्लैक कलर है, वैसे ही ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, गोल्डन कलर है, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। कलर बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है, बहुत अच्छा है और लेकिन इसका जो वॉइंट है ना, इसका वॉइंट थोड़ा सा यू नो मोटा है, तो अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। सो फॉर बिगिनर्स मेरे पास एक ऑप्शन है, वो है LE18 का ये लाइनर, ये भी इंटेंस ब्लैक कलर में है और इसका जो वॉइंट है ना वो थोड़ा सा पतला है, तो बिगिनर्स के लिए ये काफी अच्छा है। मुझे इसका वॉइंट ज्यादा पसंद है और इसका जो फॉर्म्यूला है, इसका जो इंटेंस कलर है वो अच्छा लगता है और ये काफी लॉन्ग लास्टिंग है, बट ये उतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, मतलब अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं तो ये 2-3 घंटे में ही चला जाएगा, बट दिस वन विल स्टे। ओके, सो नेक्स्ट जो लास्ट प्रोडक्ट मैं शेयर करूंगी इस वीडियो में वो है ये आईब्रो पेंसिल। ये है ब्लू हेवन आईब्रो पेंसिल और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस साइड आपको मिलेंगे ये स्पूली और इस साइड आपको जो ब्राउ प्रोडक्ट है वो मिलेगा, सो दिस इज वेरी गुड और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है क्योंकि एक ब्राउ पेंसिल में ही आपको सब कुछ मिल रहा है और इसका जो कलर है ना ब्राउ पाउडर का जो कलर है वो है डार्क ब्राउन कलर। मैंने पर्सनली कभी भी डार्क ब्राउन कलर ब्राउज के लिए नहीं इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरे आईब्रोज बहुत ही ज्यादा डार्क है, मतलब डार्क ब्लैक है, तो मैं हमेशा ब्लैक आई शेडो से इस्तेमाल करती हूँ ऑन कैमरा जब मैं बैठती हूँ तो, लेकिन ऑफ कैमरा ये कलर मुझ पर काफी नेचुरल दिखता है, दैट्स व्हाई मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ऑफ कैमरा अगर हम लोग थोड़ा सा नेचुरल लुक चाहते हैं तो उसके लिए ये परफेक्ट है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आप सबको पार्ट 2 चाहिए कि नहीं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।